तो गाइस अपने आज के वीडियो टॉपिक ये है कि हाउ टू डिलीट समवन्स इंस्टाग्राम अकाउंट। तो भाई लोग के क्वेश्चन ये रहते हैं कि क्या मैं सबके इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करवा सकता हूँ। तो नहीं भाई, आप सबके इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट नहीं करवा सकते। आप सिर्फ उन लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करवा सकते हो जो या तो कम्युनिटी गाइडेंस को ब्रेक कर रहे हो, या तो आपकी प्राइवेसी का गलत यूज़ कर रहे हो, या तो मतलब आपकी फोटो वगैरह का गलत यूज़ करके किसी से पैसे वैसे मांग रहे हो, या तो आपके फेक वेक अकाउंट को बना रहे हो। भाई लोग बहुत परेशान है कि वो आपका फेक अकाउंट बना रहे। तो सब कुछ जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, सबका मैं सॉल्यूशन आज वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। आपको कहना भाई वीडियो में तक बने रहना। सो गाइस अगर आपको किसी के भी इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना ना, तो भाई ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए अकाउंट खोल के रखा हुआ है। अगर आपका वो किसी का भी हो सकता है भाई, तो बुरा मत माना, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो किसी का भी अकाउंट ओपन कर लेना जिसका आप अकाउंट डिलीट करवाना चाहते हो। तो आपको करना भाई, यहाँ पे आपको 3 डॉट देखेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिपोर्ट का, रिपोर्ट पर क्लिक करना है आपको। फिर रिपोर्ट पर क्लिक करना है, कुछ इस टाइप का शो होगा। अब ये बता रहे भाई व्हाट डू यू वांट टू रिपोर्ट। अब ये बता रहे कि आपको क्या रिपोर्ट करना है। योर रिपोर्ट इज एनोनिमस एक्सेप्ट इफ यू आर रिपोर्टिंग एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रिंजमेंट, इफ समवन इज इन इमीडिएट डेंजर कॉल द लोकल इमरजेंसी सर्विस, डोंट वेट। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई देखो आप एनोनिमस हो, मतलब कि वो नहीं जानता कि कौन उसे रिपोर्ट कर रहा है। जैसे कि ये जो बंदा है वो नहीं जानता कि मैं उसे रिपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो एनोनिमस का मतलब यही होता है, ठीक है। अब बता रहे एक्सेप्ट, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रिंजमेंट क्या होती है, इसका मतलब ये रहता है कि भाई अगर कोई आपके अकाउंट के किसी चीज़ को चोरी कर रहा है, कॉपी कर रहा है, सेम से आपके कंटेंट को अपने अकाउंट में डाल रहा है, तो आप ना उसके अगेंस्ट से कॉपीराइट रिपोर्ट को फाइल कर सकते हो। वो भी आपको बता दूंगा, पर पहले ये सीख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफिक पोस्ट और समथिंग अबाउट दिस अकाउंट। अब देखो अपन कोई पोस्ट को डिलीट नहीं करवाना, अपन चाहते हैं बनने का पूरा अकाउंट डिलीट हो। अब वो किसी का भी हो सकता है, या तो भाई वो गाइडेंस को ब्रेक कर रहा है, या तो भाई आपके जैसा फेक अकाउंट क्रिएट कर रहा है उसका गलत यूज़ कर रहा है। अब जहाँ पे आपसे 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, पहला बता रहा है कि ये किसी और का अकाउंट है, ठीक है। दिस मे बी अंडर 30, मतलब 13 से कम का आदमी है, मतलब कोई बच्चे ने अकाउंट ओपन करके रखा हो इंस्टाग्राम अकाउंट का। और तीसरा है समथिंग एल्स, तो अपन को इसमें सेलेक्ट करना फर्स्ट वाला, दे आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, मतलब कोई दो जो ऑप्शन दिए उनके अलावा। अब ये कौन है, मतलब कि कौन के जैसा जो अकाउंट चीज़ें अपलोड हो रही हैं, अगर आपकी फोटो वगैरह अपलोड कर रहा और आप खुद के अकाउंट से रिपोर्ट कर रहे हो, तो देखो भाई इंस्टाग्राम ये भी देखेगा। तो देखो आपने जो पोस्ट वगैरह अपलोड करी है उसमें आपका फेस देखेगा, और सेम टू सेम फेस भी उसके अकाउंट में दिखेगा। तो आपको भाई मी सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके चीज़ों को कॉपी कर रहा है। तो अगर आप खुद के अकाउंट पर कर रहे हो तो मी करना, अगर आपके कोई दोस्त वगैरह अकाउंट है तो भाई आपको समथिंग आई नो करना, कोई सेलिब्रिटी का हो तो ये थर्ड वाला करना, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तो आखिरी वाला करना। पर आपको खुद के अकाउंट से ही करना, तभी भाई आपकी रिपोर्ट काम आएगी। भले या समथिंग आई नो से आप 1000 रिपोर्ट कर लो, कितनी रिपोर्ट कर लो, बहुत ही कम चांसेस बनेंगे। पर आप अगर खुद के अकाउंट से करोगे ना मी पे, तो बहुत ही 100 या मतलब 99% चांसेस है कि वो अकाउंट जल्द से जल्द डिलीट हो जाएगा, अगर वो उसका गलत यूज़ कर रहा होगा। अब देखो भाई जो इंस्टाग्राम को जो रिपोर्ट है ना आपकी सेंड हो चुकी है, अभी आप बता रहे ना रिपोर्ट रिसीव हो गई। अब वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा ये जो अकाउंट है ना, उसे पूरा चेकआउट करेगा कि भाई क्या वो गाइडेंस को ब्रेक कर रहा है, क्या उसने आपके अकाउंट का गलत यूज़ करा है। और यहाँ पर डिसीजन में फिर वो ना इंस्टाग्राम अपना डिसीजन लेगा कि क्या करना है, अकाउंट को डिलीट करना क्या करना, जो भी होगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो हार्ड बना हुआ आ रहा ना यहाँ पे आएगा, जैसे आप भाई रिपोर्ट करोगे ना वो लिखा हुआ आएगा योर सपोर्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम May 26 वॉज जस्ट अपडेटेड। तो जो डेट है वो भी आपको यहाँ पे लिखी हुई आएगी। अब ऐसे ना आप किसी की भी अकाउंट रिपोर्ट करवा सकते हो, और अगर वो कुछ गलत कर रहा तो इंस्टाग्राम उसका अकाउंट 100% डिलीट जरूर करेगा। अब बात ही आती है कोई अगर आपके कंटेंट को चोरी कर रहा, कोई आपका कंटेंट उठा के डाल रहा अपने अकाउंट पे, तो उसका भी सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको क्रोम पे आ जाना है। तो कुछ नहीं, मैं सर्च कर लेना क्रोम पे कॉपीराइट रिपोर्ट फॉर्म, तो आपको यहाँ पे कॉपीराइट रिपोर्ट वाला फॉर्म भी यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी आप कुछ चीज़ें मांगे हैं, क्या आप खुद ओनर हो या भाई आप किसी और के बिहाफ वगैरह में कर रहे हो, तो ये ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, पर आप खुद ही हैं, ठीक है। पर यहाँ पे भी आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका पूरा नाम मांगेगा, आपको अपना एड्रेस डाल देना, ईमेल डाल देना, फिर एक बार फिर से एक बार ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर लेना। अगर आप खुद ओनर ना हो, कोई और दूसरा ओनर है, तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख देना, पर खुद ओनर हो खुद का यहाँ पे पूरा लिख देना, याद रहे फुल नेम लिखना, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा भाई वेयर आर यू एसर्टिंग राइट्स। अब यहाँ पे भाई देखो यहाँ पे कुछ राइट्स वगैरह भी आ रही है, मतलब कहाँ के राइट्स हैं, क्या अगर आप इंडियन हो तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। बता रहा अगला आ रहा है विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द कॉपीराइट वर्क, ठीक है। अब यहाँ बता रहा भाई आपकी फोटो चोरी हुई है, वीडियो टेक्स्ट जो भी चोरी होगा, जरा आपको वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे कि आपके एक वीडियो वगैरह कोई ने कॉपी करा, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कंटेंट यू वांट टू रिपोर्ट, फिर से सेलेक्ट कर लो। तो जिसने भी आपके कंटेंट की चोरी करी है ना, आपको वहाँ पे उस रील की वीडियो पोस्ट जो भी हो ना उसकी यहाँ पे लिंक को सिंपली पेस्ट कर देना है। और अगर आपके पास लिंक नहीं है तो ये टिक पे सेलेक्ट करना, ठीक है। अब पता है डिस्क्राइब व्हाई आर यू रिपोर्टिंग दिस कंटेंट, क्यों रिपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हो। दिस कंटेंट कॉपीज माय वर्क, आई अपीयर इन दिस कंटेंट यूज माय नेम, अगर कोई आपका नेम यूज़ कर रहा तो लास्ट वाला, कोई आपको फोटो वगैरह यूज़ कर रहा तो सेकंड वाला, अगर कोई आपके काम को कॉपी कर रहा तो फर्स्ट वाला, आपको इनमें यूज़ कर लेना है।
तो देखो यहाँ पे पहली लिंक तो वो लगानी है आपको खुद के कंटेंट की, और जो दूसरी लिंक आ रही है ना जिसने आपके कंटेंट की चोरी करी है उसकी लगा। अब अगला आ रहा है भाई यहाँ पर, प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपको ना करना अपने कंटेंट को और डिस्क्राइब करना, और यहाँ पे जो आ रहा है ना फाइल अटैचमेंट, आपको एक फाइल को भी अटैच कर देना है जिसमें आपको कोई स्क्रीन शॉट वगैरह हो, जिससे और वो जो इंस्टाग्राम है उसे क्लियर हो सके उसने आपके कंटेंट की चोरी करी है। और यहाँ पर आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगा देना, मतलब सिंपली अपने नाम को पूरा लिख देना सर नेम के साथ। मेन जो है ना ये मैं आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन जो आता है ना आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना, क्या डिस्क्राइब करना, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका फेक अकाउंट वगैरह बना रहा है, फिर आपके कोई वीडियो को यूज कर रहा है, तो आपको यहाँ पे लिख देना कि भाई वो फेक अकाउंट बना के मेरी वीडियो का गलत यूज करना चाह रहा है, जो भी होना आपको सबको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना, और आप सिंपली सेंड पे क्लिक कर देना। और याद रहे आपने सब कुछ चीज़ें सही सही भरी है, एक बार चेक भी कर लेना। अगर आप चाहते हो कि जो लिखा हुआ आ रहा है ना ये मैं आपको लिख के दूँ, तो आप अपने कमेंट में प्रॉब्लम बताना कि किस टाइप से आपको दिक्कत आ रही है, आपको क्या रिपोर्ट करना है, तो मैं आपको उस हिसाब से क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में बता। क्लियर वगैरह हो गया होगा, कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।